आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में 24 घंटे के अंदर 3 स्थानों पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सोमवार की सुबह देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मेनाजपुर मार्ग पर स्थित कलीचाबाद शिव मंदिर के पास पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से एक और पशु तस्कर घायल हो गया। घायल पशु तस्कर के पास से पुलिस ने बाइक और तमंचा बरामद किया। बता दें कि रात को ही बरदा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर का साथी आसिफ पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना कस्बा देवगांव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। देवगांव के प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे और सब इंस्पेक्टर अनुपम जायसवाल अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ सोमवार की सुबह मोलनापुर हाईवे ओवरब्रिज के समीप संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि अंतर जनपदीय अपराधी जो गौकसी के साथ भैंस बकरी आदि की चोरी करके पिकअप व अन्य वाहनों में ले जाकर बेचते हैं, उनमें से एक व्यक्ति बाइक से चेवारपुर गोवर्धनपुर की तरफ से पक्की रोड पकड़कर शिव मंदिर कलीचियाबाद की तरफ आने वाला है। इस सूचना पर तत्काल देवगांव के प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे व सब इंस्पेक्टर अनुपम जायसवाल अपनी सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ मेनाजपुर मार्ग पर स्थित कलीचियाबाद शिव मंदिर के पास पहुंचकर बाइक सवार का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया तो वह हड़बड़ाहट में बाइक मोड़ते समय सड़क पर फिसल कर गिर गया। भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी करने लगा। पुलिस द्वारा की गई फायरिंग उक्त पशु तस्कर के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल पशु तस्कर को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर उसे उपचार हेतु CHC लालगंज भेजा। उसके पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद किया। घायल बदमाश की पहचान शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू पुत्र इखलाक उर्फ इकबाल उर्फ लखू मोहल्ला धमौर थाना खुटान जनपद जौनपुर के रूप में की गई। थाना देवगांव पुलिस को देर रात्रि लगभग 2 बजे सूचना लगी कि एक अपराधी जो पशु तस्करी से संबंधित है कलीचाबाद शिव मंदिर के पास से गुजरेगा। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जगह की घेराबंदी करी गई व चेकिंग प्रारंभ करी गई। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया, परंतु इस व्यक्ति ने रुकने की बजाय अपनी मोटरसाइकिल घुमाई और वहाँ से भागने लगा। भागते समय आगे जाकर इस व्यक्ति की मोटरसाइकिल फिसल गई व गिरते ही इस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस व्यक्ति को चेतावनी दी गई और इसके उपरांत पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक नियंत्रित फायरिंग करी गई, जिसमें यह अपराधी के पैर में गोली लगी है। इस अपराधी का नाम शाह आलम उर्फ भोनू है, जो जौनपुर का रहने वाला है। इसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। शाह आलम उर्फ भोनू रिजवान उर्फ लूले गैंग का सदस्य है व इसी गैंग ने दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के गाड़ी में टक्कर मारी थी, जब बरदा पुलिस की गाड़ी एक वाइट पिकअप गाड़ी का पीछा कर रही थी। इस संबंध में बरदा पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का पंजीकृत किया गया था। शाह आलम उर्फ भोनू के अन्य गैंग मेंबर्स की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।